सब्सक्राइबर थे ब्लॉग कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। सो हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड काफी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी रुद्रांश के एग्जाम आने वाले हैं तो उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई, मतलब रिवीजन करवाने में लगी हुई हूँ। और उसका अभी कुछ टाइम से मतलब एग्जाम आ रहे हैं तो उसका सिलेबस भी खत्म होने वाला है स्कूल में, तो बहुत सारा उसको होमवर्क मिलता है, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं कुछ टाइम से। और जब तक शायद एग्जाम नहीं हो जाते उसके तब तक मैं शायद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगी एंड उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग को हम कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी बहुत कुछ होने वाले हैं हमारे घर में और हाँ हमारे घर में शादी भी आने वाली है, सो उसके सारे ब्लॉग मिलेंगे एंड आप लोगों को देखने के लिए में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सो शादी तो बाद में आएगी, उससे पहले आज हम एक शादी में जाने वाले हैं और मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या क्या पहन के जाऊँ। मैं सूट वगैरह तो ऐसे पहन के नहीं जाऊंगी, मैं सोच रही हूँ साड़ी आज पहन के जाती हूँ और मेरे को साड़ी समझ नहीं आती है तो मैंने चार पाँच साड़ियाँ निकाली। फाइनली इतनी देर मैंने अपनी अलमारी में छानबीन करके दो चार साड़ी निकाल ली हैं, दो चार साड़ी में अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि क्या पहनूं। और साड़ियां जो देखा तो मेरे को बहुत हैवी सी लग रही थी, बस एक साड़ी है जो मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक लग रही थी, मतलब हैवी भी नहीं है मतलब लाइट भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है उसमें। सो ये वाली जो साड़ी मतलब इसका जो स्टोन लगा हुआ है ना वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब बॉर्डर वॉर्डर और बाकी तो ठीक ठाक है। सो मैं सोच रही इसी साड़ी को पहन के जाऊँ क्योंकि ये साड़ी मैंने ज़्यादा पहनी भी नहीं है, एक बार ही पहनी थी मैंने मेरी शादी में ही पहनी थी, उसके बाद इस साड़ी को मेरे को मौका नहीं मिला पहनने का। सो मैं सोच रही आज इस साड़ी को पहन के जाती हूँ और साड़ी डिसाइड करने के चक्कर में मैंने ना बहुत सारी साड़ियाँ निकाल ली हैं बट कोई नहीं, फाइनल कर ली है मैंने, इसी को पहन के जाऊँगी। और अभी हम लोग निकलेंगे शादी में, मतलब हमारे अपार्टमेंट में शादी है सो आज खाना है, हम वहाँ खाना खाने के लिए जाएंगे। और ये आ गए हैं ऑफिस से तो इनका मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खत्म होगा एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उनका मीटिंग खत्म होगा, हम जैसे ही निकलेंगे और अगर मैंने लेट कर दिया ना तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे कि अभी मुझे रुद्रांश को भी रेडी करना है, मुझे भी रेडी होना है। सो रेडी होके फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने बहुत लाइट सा मेकअप कर लिया है एंड ये साड़ी का कलर ना मेरे को बहुत प्यारा लगता है एंड साड़ी पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। सो यहाँ पे हम दोनों की कुछ बात चल रही थी और यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा, उसके बाद मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ना बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइस आ रहा था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई, मैं कैसी लग रही हूँ ये जरूर बताना, निकल रहे हैं शादी के लिए, चलते हैं फटाफट से क्योंकि लेट हम काफ़ी हो गए हैं और इनकी मीटिंग चल रही थी इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। चलो चले पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, फाइनली शादी अब अटेंड करेंगे। ये मम्मा मुझे तो लग रहा था हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नहीं है शादी है, बारात। नाचोगे? नाचोगे शादी में? नहीं नहीं नहीं, आपको तो कहीं भी डीजे मिल जाए आप नाचने लग जाते हो। मुझे तो पसंद लगते हैं, पूरे डीजे भाई साहब बना दूंगा। सही स्पॉट मिल गया आपको तो, एग्जैक्टली पार्किंग में है। बच्चों को उनकी मनपसंद चीज मिल जाए ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। और यहाँ पे देखो इस लड़के ने इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाई ना कि उसकी नेक्स्ट डे तबीयत ही बिगड़ गई थी। और यहाँ पे ये सब लेडीज बैठी हुई हैं अपार्टमेंट की और ये लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मैंने इन लोगों को भी थोड़ा सा ब्लॉग में ले लिया है। और यहाँ पे पहुँच के एंड सब लोगों से मिल के काफी अच्छा लगा एंड खूब सारा हम लोगों ने इंजॉय भी किया। सब्सक्राइबर थे चल। Yeah.
ये वाला मोमेंट देख के ना हमें हमारी शादी का मोमेंट याद आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही थी और ये देखो मैं यहाँ पे पेट पूजा करने में लगी हुई थी। शादियों में होता क्या है, खाओ पिए एंड नाचो गाओ। सो हमारा रुदांश तो हर जगह यही करता है, बस उसको डीजे मिल जाए तो हर जगह नाचने लग जाता है। और ऐसा नाचता है ना कि पूरा फ्लोर पे लोट लोट के उसने डांस किया और काफ़ी थक गया था। सो बस यहाँ पे बरमाला हो गई थी और ये है दूल्हे के भाई। सो इनसे थोड़ा सा मिला अंकल जी ने एंड उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल आए। और इसको देखो, इसको अभी भी मतलब वो इतना एक्टिव है ना कि उसको ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, अभी भी मैं डांस ही कर लूँ। और लास्ट में मेरा अभी भी नहीं भरा इतना फोटो एंड वीडियो लेने के बाद, और जाते जाते फिर मैंने एक और फोटो क्लिक करवाई। और यहाँ पास में एक और बारात जा रही थी, सो रुद्रांश उसमें भी चला गया कि मेरे को भी अभी इसी शादी में और जाना है, अभी मन नहीं भरा था उसका, पकड़ के इसको लेके जाना पड़ा घर के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर, शादी अटेंड करके एंड खूब सारा खाया, खूब सारी मस्ती की। और पतिदेव बाबू यहाँ पे अपनी प्यास बुझा रहे हैं पानी पी के एंड अंगूर भी खा लिए, पेट नहीं भरा था क्या शादी के खाने से? अरे कितना कपता है, थोड़ा सी तो कपता है। बहुत टाइम बाद हम लोग शादी में गए, मतलब अपने कब जो मामा जी की शादी थी ना तब गए थे, एक साल बाद अपने शादी अटेंड किए यार। हम लोगों ने इतने टाइम बाद शादी अटेंड की, हमको बहुत कम शादियां नसीब हो पाती, और हमें जब मिलती हैं शादियां तो हम लोग मौका नहीं छोड़ते हैं उनमें जाने का, है ना। सो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं घर और अभी चेंजेस करते हैं। और हमारे साथ जी नींद आ रही है, कल उदांश की छुट्टी है एंड परसों से उसके एग्जाम है, कल उसके परसों से एग्जाम। हाँ अब सोते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, चेंजेस करते हैं। और उदांश की तो कल छुट्टी है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, बाकी इनका ऑफिस रहेगा तो ये जाएंगे ऑफिस। और इन सबको अब निकालती हूँ, ये कान के ना बहुत ज़्यादा हैवी है ना, तो इनको पहने पहने मेरे तो कान में दर्द होने लग जाता है। अभी इस मेकअप को भी रिमूव करूँगी एंड चेंज करूँगी, उसके बाद हम लोग भी सोएंगे। और ना बहुत अच्छा लगा वहाँ शादी में जाके, और वहाँ पे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हुए थे तो वो बोलते हम आपका वीडियो देखते हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा लगता है जब आपको कोई ऐसे बोलता है ना। उदास के एग्जाम होने वाले हैं तो अभी वीडियो थोड़े से ऐसे ही मिलेंगे, बाकी जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे। और उसको पढ़ाना भी मेरे को ही पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। बीच बीच में कभी कभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, बट कोई नहीं, बहुत सारी बातें हो गई, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब करना।